हेलो फ्रेंड्स, उलन लो क्रिएटिंग द हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब नवरात्रि का उत्सव शुरू होने वाला है, तो इसके लिए मैंने ये नवरात्रि स्पेशल देवी माँ का मैट रंगोली बनाया है। आप इसे स्क्वायर करके उसके अंदर रंगोली भर के इस देवी माँ के मैट को रख सकते हैं, या आप इसे फ्लावर से भी सजा सकते हैं। आपको चाहिए तो आप इस मैट को दीवार पे भी चिपका सकते हैं। तो चलिए इस मैट को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने देवी माँ का फेस का प्रिंट निकाला है। ये प्रिंट मैंने पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड किया है। वो कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप जरूर देखें। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर देवी माँ का फेस को कपड़े के ऊपर ट्रेस किया है। डिजाइन को कैसे ट्रेस करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही पर अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसे जाकर जरूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेस करने के बाद यहाँ पर हम पहले आइज बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ब्लैक कलर की फर लिए है और इस तरह से हमने जो डिजाइन ट्रेस किए हैं वहाँ पर हम इस तरह से आइज के साइड से इस तरह से इस फर को चिपकाएंगे। देखिए, वीडियो में दिखाया है उसी तरह से आप इस फर को चिपकाएंगे। देखिए, अब आइज बनाएंगे। अभी ब्लैक कलर हमारा ज़्यादा डार्क लग रहा है, लेकिन बाद में जो हमने साइड से दूसरा कलर देना है तो उसको कलर देने के बाद ये हमारा ब्लैक कलर कम हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आइज बॉल बनाएंगे, उसी तरह से दूसरे आइज बनाएंगे। आइज बॉल बनाएंगे, आइज बॉल बनाते टाइम थोड़ा सा नीचे से हम जगह छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, लिप बनाएंगे। अच्छे से हल्के हाथों से हमें इसे बनाना है। देखिए, अब आइज के अंदर हम वाइट कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने जो नीचे थोड़ी जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इस तरह से वाइट कलर की फर को चिपकाएंगे और कैंची की हेल्प से इसे अंदर थोड़ा थोड़ा इस तरह से ढकेलेंगे। देखिए, ब्लैक कलर हमारा कम होने लगा है। अब रेड कलर हम लिप को देंगे। देखिए, इस तरह से कैंची की हेल्प से हम इसे अच्छे से अंदर फंसा देंगे। देखिए, इसके बाद देखिए, इस तरह से ये कुमकुम लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने नोज पिन के लिए येलो कलर का यूज किया है। इस तरह से हम नोज पिन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अंदर हमें स्किन कलर देना है। तो देखिए, पहले बैकग्राउंड बनाएंगे, सॉरी बॉर्डर बनाएंगे। पहले बॉर्डर बनाने के बाद देखिए, अब जो हमने ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनाया है उसे चिपक कर हमें इस फर को चिपकाना है ताकि हमारा ब्लैक कलर कम दिखे। देखिए, इस तरह से एकदम ब्लैक कलर को चिपक कर हमें स्किन कलर की वूल को चिपकाना है। देखिए, इसके बाद इस तरह से आइज पूरा कवर कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ब्लैक कलर कम कम होने लगा है। देखिए, इस तरह से दूसरा आइज भी हम बना लेंगे। देखिए, आइज और आइब्रो के बीच में इस तरह से एक लाइन स्किन कलर की देंगे। देखिए, और फिनिशिंग के लिए आप एक्रेलिक कलर लेकर इस आइज को और आइब्रो को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, या स्केच पेन लेकर आप इसे ब्लैक कलर को डार्क कर सकते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। आइज को और आइब्रो को, नोज को आप इस तरह से एक्रेलिक कलर से या स्केच पेन से ठीक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा लिप और नोज के बीच में एक देना भूल गए हैं, तो आप नोज और लिप के बीच में एक लाइन स्किन कलर की देंगे। अब हमने फेस को बॉर्डर बनाया है ब्लैक फर से। अब हमने नेक का डिज़ाइन चालू किया है। तो देखिए, ऊपर नेक में हमने स्किन कलर लगाया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्वेलरी की जगह यहाँ हम पहले आउटलाइन ब्लैक कलर से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से
बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर में हमने ब्लैक कलर दिया है। फिर इसके अंदर हम येलो कलर की फर को चिपकाएंगे, देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर बची हुई जगह पर हम इस तरह से येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। उसके बाद जो ये कान का है वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए दोनों कान के साइड में इस तरह से जो राउंड है वहाँ पर हम येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। अब जो इस साइड और उस साइड डिज़ाइन है इसके बीच में हम क्या करेंगे, रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए अब इस साइड हम सेम रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए वीडियो थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो देखिए इस साइड जैसे मैंने रेड कलर की फर को चिपकाई उसी तरह से हम दूसरे साइड भी चिपकाएंगे। अब उसके साइड में जो डिज़ाइन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड इस तरह से हमने चिपकाया है। अब जो बीच में इस तरह से डिज़ाइन है वहाँ पर हम रेड कलर के फर को चिपकाएंगे। देखिए उस साइड भी इस तरह से इस डिज़ाइन में हम रेड कलर के फर को चिपकाएंगे। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने रेड कलर की फर को चिपका है उसी तरह से दूसरे साइड भी आपको सेम प्रोसेस से इसे चिपकाना है। देखिए यहाँ से हमारी ऊल वापस नहीं आई तो हमें ऊल को कट करना है, इसे ज़ोर ज़बरदस्ती वापस नहीं लाना, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। अब देखिए इस तरह से ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना, हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो ही हमारा मैट अच्छा दिखेगा। देखिए अभी यहाँ पर हमने येलो कलर की फर से इस तरह से बॉर्डर बनाई है। अब देखिए अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर देंगे, उसी तरह से ऊपर भी सेम ग्रीन कलर से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब जो साइड की डिज़ाइन है वहाँ पर भी हम ग्रीन कलर की फर को चिपकाएंगे, सेम इस जगह भी। अब देखो यहाँ पर जितनी भी बीच में जगह बची है वहाँ पर हमें सब जगह पर येलो कलर की फर को चिपकाना है। देखिए इस तरह से जितनी भी जगह बची है वहाँ पर हम येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से अब जो ऊपर की डिज़ाइन है वहाँ पर हम रेड कलर की फर को चिपकाएंगे। देखिए इस तरह से अब सेम दूसरी साइड भी। अब जो ये बीच में जगह बची है वहाँ पर हम क्या करेंगे, येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। तो देखिए सेम दूसरी साइड भी हम
इस तरह से सेम येलो कलर की फर को चिपकाएंगे। अब जो मैंने पहले बताया था लिप और नोज के बीच में एक लाइन हमें स्किन कलर की देनी है। देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद बची हुई साइड से कपड़े को हम कट करेंगे। और फिनिशिंग के लिए देखिए कान में मैंने इस तरह से जो येलो कलर के राउंड बनाए थे उसके ऊपर इस तरह से पैच लगाए हैं, और ऊपर मुकुट के ऊपर भी मैंने इस तरह से पैच लगाए हैं। आप चाहिए तो गले में भी आप बड़े बड़े पैच लगाकर इसे सजा सकते हैं। देखिए इस तरह से सजाने के बाद यह हमारा प्यारा सा मैट बनके तैयार हो गया है। इस नवरात्रि आप इस मैट को जरूर बताएगा। ये मैट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी मैट की नई डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।